हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं अपने मोबाइल फ़ोन को थोड़ी देर पहले यूज़ कर रहा था तो अचानक से मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ गया था इस तरीके से, ऐप इज़ नॉट अवेलेबल, गो लॉन्चर इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ। ठीक है, इस तरीके से मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर ये प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से मेरा मोबाइल फ़ोन जो है बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है इस तरीके की तो इसे आप सॉल्व कैसे कर पाएंगे अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में, आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देता हूं कि मेरे इस मोबाइल फोन में जो है ये जब ये प्रॉब्लम आई थी तो मैंने इसका एक फोटो कैप्चर कर लिया था। आप देख सकते हैं मेरे फोन की गैलरी में ये फोटो है। ठीक है, और मेरे पास देखिए ये वीवो का मोबाइल फोन है, मेरे वीवो का मोबाइल फोन में इस तरीके से प्रॉब्लम आई थी। ठीक है ना, तो दोस्तों यहां पर जो है आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ना एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। अगर रीस्टार्ट हो जाता है तो रीस्टार्ट एक बार कर लेना है अपने फ़ोन को, या फिर स्विच ऑफ करके स्विच ऑन एक बार कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन का ये फाइल का ऐप होता है, ये गूगल फाइल का ऐप होता है, इसे ओपन करना है। ठीक है, इस गूगल फाइल के ऐप में आपको नीचे की साइड ना ये ऐप्स का ये ऑप्शन इसे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप लिखा है ना, इसे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस पेज में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। अब इस पेज में आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब इस पेज में आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो आपका कैच के सामने वाला डेटा ये जीरो हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको सेटिंग बताई है ना, तो आपके पास अगर किसी दूसरी कंपनी का मोबाइल फोन है तो उसमें भी आपको ये सेटिंग मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी आगे पीछे या ऊपर नीचे सेटिंग हो सकती है लेकिन आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर मैंने अगला प्रोसेस करा क्या था अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि मैंने अपने मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन किया और इंटरनेट को चालू करके मोबाइल फ़ोन का जो सिस्टम होता है यानी कि मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर होता है उसे मैंने चेक किया यहाँ पे कि वो अपडेट है या नहीं है। तो यहाँ पर मेरा मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर था यानी कि मेरे मोबाइल फ़ोन का जो सिस्टम है वो अपडेट नहीं था, यहाँ पर डाउनलोड एंड इंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा था। तो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर को भी एक बार मैंने अपडेट कर लिया था। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो है अगला प्रोसेस देखिए करना यह है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन या फिर आपके मोबाइल फ़ोन में सर्च सेटिंग आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो सर्च आइकन पर टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है गूगल प्ले सिस्टम पे लिख लेना है आपको यहाँ पे। ठीक है, सर्च बार में तो आपको नीचे गूगल प्ले सिस्टम का अपडेट का ये ऑप्शन मिलेगा, इसे सेलेक्ट करना है। आपका फ़ोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लेकर आ जाएगा। तो आपको गूगल प्ले सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर भी अगर आपको कोई भी नीचे की साइड रीस्टार्ट नाउ ऑप्शन अगर यहाँ पे दिखाई देता है ना तो उसे आपको टैप करके फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे इस वाले पेज में दिखाई देता है तो। दोस्तों गूगल का जो सॉफ्टवेयर होता है वो अलग सेटिंग होती है और गूगल का जो प्ले सिस्टम अपडेट होता है ये अलग सेटिंग होती है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पर रीस्टार्ट का ऑप्शन दिखाई देता है कई बार। ठीक है, इसे आपको रीस्टार्ट पर टैप करके फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको सेटिंग के पेज में आपको वापस से आना है, सेटिंग का जो मेन पेज होता है मोबाइल का इसमें आना है और यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में आपको लिखना है लॉन्चर लिखना है तो आपको नीचे डिफॉल्ट होम ऐप ऐसे दिखाई देगा, ये इसे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ना ये सिस्टम होम स्क्रीन ये इस तरीके से सिलेक्टेड टिक मार्क होनी चाहिए आपकी। ठीक है ना, और दोस्तों यहाँ पर जो है ना एक काम और कर लेना है कि आपके मोबाइल फ़ोन का आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर में सबसे ऊपर ये प्रोफाइल पिक्चर होती है, इसे आपको टैप करना है। अब इस पेज में आपको नीचे की साइड ये मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब इस पेज में आपको जो है ना ये लिखा हुआ मिलता है अपडेट अवेलेबल, इसके नीचे सी डिटेल का अगर ये ऑप्शन दिखाई देता है तो सी डिटेल पे टैप करना है। तो आपके इस वाले पेज पे आपके मोबाइल फ़ोन के वो सभी ऐप दिखाई देते हैं जो आपके अपडेट नहीं है, तो इन सभी ऐप्स को भी अपडेट कर लेना है इस अपडेट ऑल पर टैप करके। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जितना भी मैंने आपको ये प्रोसेस बताया ना ये सारे प्रोसेस मैंने यूज़ करे थे, बस खाली प्ले स्टोर में जाकर अपने ऐप्स को अपडेट नहीं किया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना मैं अपने प्ले स्टोर में ऐप्स को बाद में भी अपडेट कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये मैंने सारे प्रोसेस मैंने यूज़ कर लिए थे अपने फ़ोन को एक बार सबसे पहले रीस्टार्ट करके, तब जाके मेरी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई थी। ठीक है ना, नहीं तो ये मेरे पास जो ये इस तरीके की प्रॉब्लम जो ना ऐप इज़ नॉट अवेलेबल की ये मेरे पास जो ना दो चार बार पहले भी आ चुकी थी प्रॉब्लम। तो मैंने ये सारे प्रोसेस करे हैं तब जाके मेरी प्रॉब्लम जो है बिल्कुल ही सॉल्व हो चुकी थी। ठीक है ना, और मेरा मोबाइल फ़ोन भी ठीक से काम करने लग गया था, हैंग भी नहीं कर रहा था, उससे पहले मेरा फ़ोन थोड़ा बहुत हैंग भी कर रहा था। ठीक है ना, तो दोस्तों अगर आपके पास इस तरीके की प्रॉब्लम आती है ना, ऐप इज़ नॉट अवेलेबल, लॉन्चर इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ, तो इस तरीके की प्रॉब्लम को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,